ट्रिप पे रानी खेत से होते हुए जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ रानी खेत जा रहे हो। पर के रास्ते पे जा रहा हूँ, पूरा रास्ता जितना रास्ता भी आया ना, रास्ता सच में अमेजिंग था। खेत पहुँच गया हूँ। जो नेक्स्ट ट्रिप है रानी खेत से होते हुए जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। बाइक पे चलते जाना है। ये पीछे व्यू देखो, आज मौसम शायद बादल बन रहा है, शायद बारिश होने की आशंका है। चलो फिर मैं निकलते हैं। मैं जोशीमठ से सुबह निकल गया था, सुबह 5 बजे मैं जोशीमठ से निकला था कर्णप्रयाग में, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स कर्णप्रयाग में वेट कर रहे थे मेरा। लेकिन मैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए ये रास्ता लेके नहीं गया, जो चारधाम रास्ता है वो लेके नहीं गया, मैं रानीखेत से होते हुए जा रहा हूँ। और अगर आप कभी ऋषिकेश वाले रास्ते जो श्रीनगर से होते हुए ऋषिकेश जाती है, वो रास्ते से अगर कभी बोर हो चुके हो आप लोग, एक बार कभी कर्णप्रयाग से रानीखेत लिए रास्ता जरूर लेना। अब जैसे कर्णप्रयाग से रास्ता लेते हो, थोड़े से रास्ता खराब है, मतलब थोड़ा मोड़ा रास्ता खराब है, चल जाएगा उसका। लेकिन अगर आप लेते हो पूरा रास्ता, व्यू इतना प्यारा है, अभी तक मैं कम से कम 50 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे पूरा रास्ता सिर्फ झरना। और अगर एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप कहेंगे सारे पहाड़ एक ही है, देखो आप पहाड़ आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ के पहाड़ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ हरियाली ज़्यादा है और चारों तरफ ऐसा नहीं है कि आपको पठारी पहाड़ मिलेंगे, हरियाली काफ़ी मिलेंगी यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ का पहाड़। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि शोरगुल से है ना, बट शोरगुल नहीं, यहाँ पे शोरगुल से कम है, शांति है, आराम से मैं व्यू का मजा लेते हुए आगे जा रहा हूँ। हरियों के बीच से सड़कें बनी हुई है और पूरा पहाड़ों के बीच में पूरा हरियाली चारों तरफ। और यही अगर मैं श्रीनगर इसी के सोच रहा था तो वो 4 लेन मुझे मिल जाता, लेकिन वो उस तरह का नहीं था, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ ट्रैफिक भी कम है। मुझे एक पुल बना हुआ छोटा सा, वो पेड़ को काट के पुल बनाया गया है। और अभी तो रानीखेत आया भी नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, अल्मोड़ा आना बाकी। कितना प्यारा जगह है, चल स्वर्ग के रास्ते पे जा रहा हूँ, रास्ता देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा, चारों कहीं भी नज़र उठा के देखो मज़ा ही मज़ा आएगा। बस प्रकृति के बीच ऐसा लगा कि पहाड़ों की गोद में मैं बैठा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कभी भी कर्णप्रयाग से आओ तो जरूर ये रास्ता लेना, 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा होगा दिल्ली के लिए, लेकिन ये जरूर लेना, मतलब एक अलग ही फील आएगा। मुझे तो गजब का फील आ रहा है, मुझे लगा था कि रानीखेत ऐसा ही होगा जैसा मैंने सुना था, सेम वैसा ही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है सच में। देखो कितना व्यू, देखो चारों तरफ व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू। कितना प्यारा सा गांव है, स्कूल देखो कितना प्यारा गांव है, ये मालसी गांव है, कितना प्यारा गांव है। और ये जो अभी जो हर घर, मतलब 75 ईयर्स का जो मन रहा है, हर घर तिरंगा, देखो हर घर में तिरंगा अब दिखेगा, मतलब इंडिया के कोने कोने चल जाओ। मैंने माना गांव गया था, वहाँ भी मतलब तिरंगा से नहलाया हुआ था भाई गांव, देखो किसको यहाँ नहीं रहने का मन करेगा, मेरा तो दिल बस गया यहाँ पे, कितना प्यारा गांव है, कितनी शांति है, दिख रहा चारों तरफ। मेरे पीछे स्कूल देखो, स्कूल कितना प्यारा है, उसी में मन कर रह जाओ। वाह इतना प्यारा गाँव होता भी है, हमारा गाँव था, प्यारा गाँव।
दिल बस गया यार। मेरे पीछे ये व्यू देखो कितना प्यारा है। अभी 4 किलोमीटर गैरसेन गांव है, अभी बहुत ही प्यारा होगा। पूरा रास्ता जितना रास्ता भी आया ना, रास्ता सच में अमेजिंग रास्ता था। ये कहते हैं ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वैसा रास्ता है। सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, काफ़ी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। बस अगर साथ में अगर आप कपल के साथ आते हो तो आपका दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब आप जिंदगी भर आपकी जो साथी होगी वो याद रखेगी हमेशा लाइफ टाइम के लिए। प्यारा जगह है। रास्ता एक भी जगह ऐसा नहीं था जो सोचो मैंने 60 किलोमीटर अभी तक चला है, मुझे लग गया 6 घंटे लग गए। सोच सकते हो जो 60 किलोमीटर में 2 घंटे में, मिनिमम 2 घंटे या 1.5 घंटे में कर लेता था मैक्सिमम, और आज मुझे 6 घंटे लग गए। रूट कितना प्यारा होगा, सच में बहुत ही प्यारा रूट है, मज़ा आ गया। मैं गनाई पहुंच चुका हूं। जब आप गनाई पहुंचते हो यहां पे आपको 2 टर्न मिलेंगे, ठीक है, एक रामनगर होते हुए जाएगा, एक रानीखेत होते हुए जाएगा। मैं रानीखेत पहुंच गया हूं। रानीखेत मुझे 6 बज गए थे शाम के, 6:30 बज गए थे। बिकॉज मैं व्यू इतना प्यारा था, कर्ण प्रयाग से रानीखेत की डिस्टेंस जो है 113 किलोमीटर है, और मैंने सुबह के 10 बजे चलना स्टार्ट किया, शाम के 6 बजे पहुंचा था। आप सोच सकते हो कितना लंबा मेरे टाइम लगाया। इसका मतलब व्यू सच में बहुत ही प्यारे थे, सच में आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर कभी भी आप कर्ण प्रयाग से रानीखेत आते हो और फिर उसके वहाँ से दिल्ली जाते हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मौसम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं बता भी नहीं सकता। अब मैं रानीखेत आया, मैं यहाँ पे सोचा कैंप लगाने का, लेकिन कैंप बरसात में लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी भीग चुका था, कुछ कपड़े गीले हो चुके थे, काफ़ी सारे कपड़े गीले हो चुके, तो मैंने होटल लेने का सोचा। लेकिन फिर मुझे पता चला धर्मशाला यहाँ पे है, जो शिव मंदिर के नाम से है, और ये धर्मशाला आपको गांधी, जब रानीखेत आते हो ना छावनी को पार करते हो तो गांधी चौक आता है। गांधी चौक के पास 2 रास्ता है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आओगे वहाँ पर शिव मंदिर लिखा हुआ आएगा, आपको वहाँ से बस पूरा टर्न ले लेना है, आपको शिव मंदिर का रास्ता दिख जाएगा। धर्मशाला में आपको रूम मिल जाएगा, और रूम का आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो देखो ये सारे मेरे कपड़े हैं अभी जो गिरे हुए थे, मैंने सुधार कर, ये बेड है, ये पिलो है, मैं अपना वो लेकर आया था, कंबल लेकर आया था, ये सारे सामान है, मेरे सारे सामान बिखरे हुए हैं, और यही है। जो चार्जेस है इसके धर्मशाला के वो 150 चार्जेस है, उन्होंने बताया 200 चार्ज लगेंगे, लेकिन 150 चार्जेस ले रहे हैं। और यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मुझे होटल वैसे वही लेना था जिसका व्यू बहुत ही प्यारा है, और जहाँ भी मैंने खाना भी खाया वहाँ से व्यू बहुत प्यारा था, और यहाँ का भी व्यू बहुत प्यारा है। जैसे मैं कल सुबह को दिखाऊंगा व्यू कितना प्यारा है, क्योंकि मेरे खिड़की के सामने इन्होंने मंदिर का ये है, बहुत ही प्यारा। देखो कल सुबह मैं दिखाऊँगा अच्छे से।
पहाड़ से ढका हुआ एरिया है ना, ये यहाँ पे काफ़ी प्यार लगे पूरा शिव मंदिर का प्रांगण है। ऐसे पकड़ो बात बराबर है, मैं पैसे अगर सोने में बचा लेता हूँ, रहने में तो खाने में लगा देता हूँ, क्या करो भूख कस के लगी थी अब बहुत। और ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से मेरे पीछे पूरा पहाड़ दिखता है, ये सुबह में काफ़ी चक्की दिखे अभी।